Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video we are going to do some questions on 2D array. So let's get started. तो यार आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस. तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन समझते हैं क्या कह रहा है. सो वी हैव गिवन टू स्क्वायर मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी ऑफ साइज एन बाय एन. एन बाय एन मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एन है, विच मीन सेम है. इसलिए हमने क्या कहा है उसे, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं जिनके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं. तो दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, विच मीन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है. ओके, नाउ फाइंड द एडिशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस. मतलब हमें क्या निकालना है, जो दो मैट्रिक्स दिए हैं हमें, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, उनका क्या निकालना है, आपको ऐड करके उनको, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनका रिजल्ट निकालना है. जैसे मैट्रिक्स ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4. मैट्रिक्स बी में क्या क्या एलिमेंट है, 4 3 2 1. तो इनका जो सम आप करोगे एलिमेंट्स का, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 5 5. जैसे मैंने आपको यहाँ से अच्छे से बताया, ए मैट्रिक्स है तो इसमें आपने से यही एग्जाम्पल लिया मैंने, 1 2 3 4. तो इसमें नंबर ऑफ रोज ए में कितनी है, 2 है. नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है. एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4. बी में दो ही रो हैं, दो ही कॉलम है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 4 3 2 1. तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या जाएगा, तो आप छोटी सी बात है, इन्होंने क्या रिजल्ट दे रखा है यहाँ पर, 5 5 5. विच मीन्स आप समझिए एडिशन, अब आप कैसे करेंगे एडिशन, कुछ नहीं है एडिशन में. आपको करना क्या है, ये जो आपका रो जीरो सी जीरो पे क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से. यस, रो जीरो सी जीरो पे क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है, 1. बहुत सही. बी में जाएंगे तो रो जीरो सी जीरो में क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है, 4. तो 4+1 आप करोगे तो क्या आएगा, 4+1 करोगे तो 5 आ जाएगा. किसमें, रो जीरो सी जीरो में क्या आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप जाओगे यहां पर, ये जो 2 है, रो जीरो सी वन में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है. ऐसे ही रो जीरो सी वन में क्या पड़ा हुआ है, 3. तो 3+2 क्या होता है, 5. तो रो जीरो सी वन में क्या आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा. ये वाले उसकी एलिमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है. अब आर वन सी जीरो में क्या पड़ा हुआ है, 3. ठीक है, R1 C0 में क्या पड़ा हुआ है, 2. तो 3+2 5 हो जाएगा. बहुत सही. उसके बाद R1 C1 में क्या पड़ा हुआ है, क्या स्टोर है, 4 स्टोर है. R1 C1 में क्या स्टोर है, 4. तो 4+1 5. समझ रहे हो ना, R1 C1 में 4 है तो R1 C1 वाला ऐड होगा, ना कि R1 C0 वाला या दूसरा कोई. नहीं, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स शुड बी सिमिलर इन बोथ द मैट्रिसेस. समझ रहे हो ना, जब रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स सेम होंगी, जैसे इसमें R1 C1 पे क्या स्टोर है, 4 स्टोर है. इसमें R1 C1 पे जो भी एलिमेंट स्टोर होगा, अब इसमें 1 जो स्टोर क्या है, 1. R1 R1 C1 पे क्या स्टोर है, यहां पर 4 है. और B मैट्रिक्स में R1 और C1 पे क्या स्टोर है, 1. तो 4+1 5 होगा. समझ रहे हो ना, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स जो है सेम होने चाहिए जब इसमें आपका रिजल्ट निकलेगा. तो कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको. तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं अगर आपको यहां से अच्छे से समझाऊं तो मैं क्या कह रहा हूं, ये तो आपको चीज समझ में आ गई होगी यार, कि रो जीरो सी जीरो पे 1 है तो रो जीरो सी जीरो पे 4 है, तो 1+4. ये जो फर्स्ट बॉक्स है, मैं ये कर देता हूं, ये जो फर्स्ट बॉक्स है, ये और ये इसका होगा, उसके बाद 2 और 3 का होगा, उसके बाद 3 और 2 का होगा, उसके बाद 4 और 1 का होगा. इतना तो यार कॉमन सेंस से आपको समझ आ गया होगा. करना कैसे वो चीज देख लेते हैं. तो मैट्रिक्स ए को मैंने ए लिख दिया, मैट्रिक्स ए ऑफ आई जे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाए. बेसिकली हो क्या रहा है, ए ऑफ आई जे विल बी ए ऑफ आई, क्योंकि मैं जे में ही अपना रिजल्ट स्टोर करा लूंगा, बी ऑफ आई जे. इसका मतलब क्या है, इसका चीज ध्यान से समझना, इसमें हो क्या रहा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, जो रिजल्ट है आपका ऐसा आएगा. मैं पहले लिख देता हूँ, सबसे पहले हम लिखते हैं. तो इन्होंने क्या दिया है, वेक्टर इंट ए, मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको पहले. एक तो मैट्रिक्स ए दिया है वेक्टर में और एक मैट्रिक्स बी दिया है. बहुत सही. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उसके किसी भी मैट्रिक्स की, क्योंकि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों सेम डायमेंशन के हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो आप रो निकाल लो या कॉलम निकाल लो, सेम है. तो मैं रो निकाल लेता हूँ यहां से. मैं रो निकाल लेता हूँ क्योंकि रो और कॉलम दोनों में सेम है, तो कुछ भी फाइंड आउट कर लो आप, रो कर लो कॉलम कर लो वो सेम रहेंगी. तो मैंने इंट रो लिखा, रो कितनी है, तो मैंने रो निकालने के लिए n लगाया यहां पर. ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स a से आप क्या निकाल दोगे, मैट्रिक्स a डॉट साइज से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज. ये क्या है आपका, नंबर ऑफ रोज है, और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इतना सबको सब जानते हैं. अब होगा क्या, सबसे पहले आप क्या करोगे, फोर इंट रो कहां से लेकर कहां तक जा रही है, रो जीरो से स्टार्ट होगी,
ठीक है, रो कहां तक जाएगी, रो इज लेस देन एन, पूरी एन तक जाएगी, उसके बाद रो जो है वो प्लस प्लस हो जाएगी। ये वाले रो की बात कर रहा हूं मैं, ये जो रो है रो जीरो देन रो वन, फिर उसके बाद रो जीरो देन रो वन, ठीक है ना, दोनों मैट्रिक्स में। उसके बाद जो कॉलम है यार, वो हर एक रो में, जैसे रो जीरो की बात कर रहे हो तो कॉलम जीरो कॉलम वन, पूरा कॉलम जीरो से लेकर जहां तक है नंबर ऑफ कॉलम्स वहां तक ट्रेवर्स होगा, इसलिए फॉर एंड कॉलम कहां तक जाएंगे, कॉल जीरो से स्टार्ट होके पूरा जितना भी एक रो में जितने भी कॉलम है तो कॉलम पूरे ट्रेवर्स करने हैं हमें, सबका सारे एलिमेंट्स कंसीडर करने, इसलिए कॉलम कहां तक जाएंगे, वो भी एन तक जाएंगे, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इतना पता है हमें, कॉल प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद मैंने बताया था आपको ये मैट्रिक्स ए है, इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स ए, तो मैंने लिखा मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए आई जे विल बी व्हाट, मैट्रिक्स ए आई देन जे प्लस क्या ऐड करना है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स बी आई जे, इसको जब आप चलाएंगे ये void में, इसलिए हमें रिटर्न नहीं करना, खाली रिजल्ट ए में स्टोर कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि ये सही आ रहा है, सही चल रहा है, या कुछ इसमें एरर आ रही है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं मैंने कैसे किया, ठीक है ना, और कैसे कैसे चीजें इसमें होंगी, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, जे वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके ओके सॉरी, ये मैंने यहाँ लिखना है रो, मैंने आई जे लिख दिया क्योंकि हमें जनरली आई जे की आदत होती है। ये है आपका रो, रो कॉल में इसलिए लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो कि यार ये रो की बात चल रही है और ये कॉलम की बात चल रही है, वरना नॉर्मली मैं आई जे ही लेता हूँ, इसलिए मुझे आई जे की आदत है, बट इट्स ओके। एक बार कंपाइल एंड रन करते हैं फिर से, ये कैसे कैसे ये चीज हो रही है, कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है ये, और ये बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं, इसको सबमिट करके देख लेते हैं जिससे बिल्कुल हमें क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ भाई हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये बिल्कुल सही है, यस ये सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं। ओके, तो करा क्या है, कुछ नहीं करा, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करा हमने, करा क्या देखते हैं। हमने क्या करा, फोर रो जीरो से लेकर रो इज लेस देन रो प्लस प्लस, यानी कि जीरो रो से स्टार्ट करेंगे, कब तक करेंगे, जितनी भी ये रोज हैं, जितनी भी ये रो है, रो जीरो रो वन जितनी भी रो है वहां से आप स्टार्ट करोगे, रो जीरो देन रो वन। अब आप रो जीरो पे हो तो कॉलम जीरो कॉलम वन दोनों मैट्रिक्स के लोगे, ए के भी एंड बी के भी, ठीक है ना। तो हमने करा क्या, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप रो किस पे हो, रो जीरो पे हो, रो जीरो, उसके बाद रो जीरो में आप कहां इनर लूप में आओगे, वहां कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम स्टार्ट हो रहा है जीरो से, कॉलम स्टार्ट हो रहा है जीरो से, उसके बाद आप आए यहां पर, तो मैं ये मैट्रिक्स ए की जगह रखता हूँ ए आई जे, आई क्या है यहां पर, सॉरी रो, रो कौन सी है, जीरो जीरो, कॉलम इंडेक्स क्या है, जीरो। तो ये क्या कह रहा है यार, ए जीरो, यानी कि मैट्रिक्स ए की बात चल रही है, ठीक है ना, मैंने मैट्रिक्स ए को ए लिख दिया प्लस, क्योंकि रो कॉल जीरो जीरो है, फिर प्लस क्या हो रहा, बी, रो कितना है, जीरो है, रो कितना है, जीरो है, और ये कॉल कितना है, जीरो, विच मीन्स ए जीरो जीरो पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अब उन्होंने कहा ए जीरो जीरो पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए जीरो जीरो, ए जीरो जीरो क्या है, यानी कि ए जीरो जीरो का मतलब ये, ए ये रहा, रो जीरो कॉलम जीरो पे क्या है, वन है, क्या है आपका, क्या है आपका, ये आपका वन है, ये क्या है, एक सेकेंड ये मैं ले लेता हूँ, रो जीरो कॉलम जीरो पे क्या है आपका, वन है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा, उसके बाद आपने देखा ये आ गया वन, ठीक है, प्लस बी जीरो जीरो, यानी मैट्रिक्स बी पे, मैट्रिक्स बी, ये वाला जो मैट्रिक्स बी है इस पे रो जीरो कॉलम जीरो पे क्या स्टोर है आपका, क्या स्टोर है आपका, फोर स्टोर है, ये रहा फोर स्टोर है, तो वन प्लस फोर कितना हो जाएगा, वन प्लस फोर डेट विल बी फाइव, तो फाइव किसकी वैल्यू है, वो किसकी वैल्यू है, ए जीरो जीरो, यानी किसकी वैल्यू है, ए जीरो जीरो। तो ये मैंने मैट्रिक्स बनाया ए, ये बनाया जिसमें मैं अपना रिजल्ट स्टोर कर रहा हूँ, तो ए जीरो जीरो रो जीरो कॉलम जीरो पे क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, समझ रहे हो ना, वन प्लस फोर करके क्या आया, फाइव आ जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा, फाइव। उसके बाद क्या हुआ, कॉल हो गई प्लस प्लस, यानी कि कॉल पहले जीरो थी, अब कॉल क्या हो जाएगी, जीरो से हटके कॉल हो जाएगी वन, बहुत बढ़िया। फिर यहां पर आए, अब किसकी बात चलिए, मैट्रिक्स रो कॉल, तो रो तो जीरो ही रहा, कॉल कितनी हो गई, वन, कॉल कितनी हो गई यहां पर, आप देख सकते हैं वन वन हो गई। तो इसमें क्या चेंज आ जाएगा, ए जीरो ए वन हो जाएगा कॉल, बी जीरो क्योंकि रो तो जीरो रही, कॉल क्या हो जाएगा, वन, विच मीन्स एरे मैट्रिक्स ए जीरो वन पे, यानी कि मैट्रिक्स ये जो ए है आपका रिजल्ट, इसमें रो जीरो कॉलम वन पे ये वाली वैल्यू यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने देखा इसके लिए क्या आएगा, ए जीरो वन प्लस बी जीरो वन, विच मीन्स ए जीरो वन पे क्या स्टोर है, ए रो जीरो कॉलम इंडेक्स वन, ए यानी इसकी बात चल रही है रो जीरो कॉलम इंडेक्स वन पे क्या स्टोर है आपका, टू स्टोर है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे आप, टू प्लस
आपने देखा B01, B01 यानी मैट्रिक्स B, रो 0 कॉलम 1 पे क्या स्टोर है? आपका 3 स्टोर है, आप देख सकते हैं 3 स्टोर है। तो आप क्या कह रहे हो, 2 प्लस 3 पे क्या जाएगा, 2 प्लस 3 पे क्या जाएगा, 2 प्लस 3 पे क्या जाएगा, डेट इज 5 हो गया। तो आपने देखा A01 यानी कि जो आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि आप A में स्टोर कर रहे हो, तो A0 रो 0 कॉलम 1 पे क्या जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5। ओके, उसके बाद आपने देखा कॉल प्लस प्लस हो जाएगी, तो कॉल की वैल्यू जाएगी 2, बट कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो 2 से पहले n की वैल्यू क्या है, n बेसिकली क्या है आपका नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, वही नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ कॉलम्स भी वही हो जाएगा नंबर ऑफ कॉल्स, तो 2 से पहले तक जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 2। इसलिए आप क्या करोगे, इनर लूप से यहां से बाहर आ जाओगे, विच मीन्स आपने चीज देख ली कि रो जो 0 है आपने पूरी ट्रेवर्स कर ली, मैट्रिक्स ए की भी और मैट्रिक्स बी की भी। नाउ आप किस पे आ जाओगे, रो 1 पे आ जाओगे, मैट्रिक्स ए के एंड मैट्रिक्स बी के, समझ रहे हो ना, कुछ नहीं है, सिंपल है। तो आपने देखा रो प्लस प्लस हो जाएगी जब आप इनर लूप से आउटर लूप में आओगे, तो रो की वैल्यू होगी 1, बहुत बढ़िया। कॉल कहां से स्टार्ट हो रहा, कॉल हमेशा 0 से स्टार्ट होगा हर न्यू रो के लिए, तो मैट्रिक्स रो कॉल है, रो अब कितनी है, रो इंडेक्स क्या है 1 है, कॉलम इंडेक्स क्या हो जाएगा 0, यानी A10 ये क्या है यहां पर 1 और ये क्या है यहां पर 0, बी क्या है रो इंडेक्स 1 कॉलम 0, विच मीन्स A10 यानी कि A10 जो फाइनल A है, इसमें रो 1 और कॉलम 0 पे क्या आएगा, ये इसकी बात चल रही है अभी, ठीक है, इस पे क्या आएगा A10, ये जो पुराना वाला A था, A यानी रो 1 कॉलम 0 पे जो 3 है, A10 ये हो गया यानी कि 3, तो ये लिख देता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, डेट इज 3 प्लस B10 यानी कि B क्या है, B मैट्रिक्स ये रहा, 10 पे क्या स्टोर है आपका, 2 स्टोर है, 2 स्टोर है, तो आप क्या कर दोगे 3 प्लस 2 डेट विल बी 5, तो क्या आ जाएगा यार 3 प्लस 2 डेट विल बी 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। उसके बाद आपने क्या करा, कॉल हो गया प्लस प्लस, कॉल प्लस प्लस हो गया, तो कॉल 0 था, अब क्या हो जाएगा 1, बहुत सही, तो मैट्रिक्स रो कॉल रो इंडेक्स 1 रही, कॉल हो जाएगा 1, वो A11 ये हो जाएगा 1 और B11 यानी कि रो तो 1 रहा कॉल 1, तो मैंने कहा A11 ये जो नया वाला A है, ये जो मैट्रिक्स A है, इस पे यानी कि रो 1 कॉलम 1 पे क्या वैल्यू स्टोर होगी अब। तो आपने क्या कहा, आपने कुछ नहीं कहा, पुराना वाला A11 प्लस B पुराना वाला प्लस B11 यानी कि A11 क्या है इसका, ये A रो 1 कॉलम 1 पे क्या स्टोर है आपका, 4 स्टोर है, आप देख सकते हैं 4 है, बहुत सही। तो आप लिख दोगे क्या, ये कुछ नहीं है यार मेरा 4 स्टोर है, क्या है आपका 4 स्टोर है, प्लस B11 पे क्या स्टोर है यानी कि B मैट्रिक्स ये रहा R1 कॉलम 1 पे क्या स्टोर है आपका, ये 1 स्टोर है, समझ में आ गया ना, तो 4 प्लस 1 डेट विल बी 5। तो आपने देखा A11 ये जो नया वाला A11 है जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं A, तो इस पे क्या है आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा क्या हुआ यार, कॉल प्लस प्लस हुआ तो कॉल हो गई 2, बट 2 से पहले तक जाएगा तो आप इनर लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप आउटर लूप में गए, रो प्लस प्लस हुआ तो रो की वैल्यू 2, बट नंबर ऑफ रोज 2 है तो 2 से पहले तक जाएगा और आप इन दोनों से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, ये वॉइड में था इसलिए आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने मैट्रिक्स ए में ही वो वॉइड टाइप है इसलिए आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, और मैट्रिक्स ए में ही आपका जो रिजल्ट है वो स्टोर कर दिया, क्योंकि मैट्रिक्स ए में ही आपने जो आपका रिजल्ट था वो स्टोर कर दिया, मैट्रिक्स ए विल बी मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, तो आपने जब इसको सबमिट करा तो सबमिट हो जाएगा। तो यार आई होप ये आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने करा क्या है, ठीक है ना, कि हमने कैसे कैसे यस ये हमने देख लिया था कि सारी टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो करना क्या था, बेसिकली कुछ भी नहीं था, ये जो रो 0 सी 0 था उसको B मैट्रिक्स रो 0 सी 0 से करना था, यानी 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, सिंपली एडिशन ये है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये हमारा हो गया, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्या, जो कि आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या कह रहा है, सो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n बाय n, यानी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, व्हिच मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सिमिलर है, सेम है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज टू कॉलम्स एंड कॉलम्स टू रोज, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, जितने जो भी रोज हैं उसको कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो। मैं इस एग्जांपल के रेफरेंस से नहीं समझा रहा आपको, एक इजी एग्जांपल से समझाता हूं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मेरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें क्या है, 3 रोज हैं 3 कॉलम है, ठीक है ना, 3 रोज हैं 3 कॉलम है, ये क्या है आपका 0, ये क्या है, जिसमें एक मैट्रिक्स ए है ये, ठीक है, इसमें 3 रोज 3 कॉलम है, क्या क्या स्टोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ गया ना, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, ये मैं लिख देता हूँ जिससे आपको यार आसानी हो जाए। ये क्या है आपका ये आपका क्या है, मैं इसे लिख देता हूँ, ये आपका C0 है, ये क्या आपका C0 है यहाँ पर, क्योंकि ये कॉलम 0 है, ठीक है, और ये क्या आपका कॉलम 1 है, और ये क्या आपका कॉलम 2 है, कॉलम 2, ठीक है, ये क्या आपका कॉलम 2 है,
उसके बाद ये आपका क्या है यार, ये जो है आपका ये रो जीरो है, आपका क्या ये रो जीरो है, क्या ये आपका रो जीरो है, ठीक है, रो जीरो मैं लिखना भूल गया यार, रो जीरो एंड देन रो वन, उसके बाद ये क्या आपका ये जो लास्ट में, यानी कि विच मीन्स हमारे पास क्या है, तीन कॉलम है सी जीरो सी वन सी टू एंड तीन रो है आर जीरो आर वन और ये आपका सॉरी ये आर टू है आपका, क्या है आर टू, बहुत बढ़िया। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, मैंने कलर से डिफरेंट कलर से लिखा है जिसको जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर ये आपका ए है, ये मैट्रिक्स ए है और इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा ए, ए का ट्रांसपोज आ रहा है ये, ए का अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ए का ट्रांसपोज आ रहा है ये। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर मेरा मैट्रिक्स ए है और मुझे मैट्रिक्स ए का ए ट्रांसपोज चाहिए तो मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिमिलर सिंपल सी बात, एक चीज देखना इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 5 9, ठीक है, तो 1 5 9 सेम रहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में एंड सिंपल मैट्रिक्स में। जैसे मुझे ए का क्या करना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो ए में और ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स ए में और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए में आपके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे, 1 5 9 है और ट्रांसपोज में भी क्या आ रहा है, 1 5 9, व्हिच मींस डायगोनल एलिमेंट सेम है, पहली चीज। अब ये जो मेरा डायगोनल एलिमेंट है, ये वाला ये जो मेरा डायगोनल एलिमेंट है, ये इसके ऊपर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 6 है, 2 3 6 ये वाले 2 3 6 यस, और इसके नीचे कौन कौन से एलिमेंट है, 4 7 8। तो बेसिकली करना क्या है, 4 को 2 से स्वैप करना है, जब 4 को 2 से स्वैप करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4, 2 की प्लेस पे क्या आ गया 4 और 4 की प्लेस पे क्या आ गया 2, बहुत बढ़िया। उसके बाद 7 3 को स्वैप करना है, 7 और 3 को स्वैप करना है तो 3 की प्लेस में क्या आ जाएगा 7, 3 की प्लेस में क्या आ जाएगा 7, बहुत बढ़िया, और 7 की प्लेस में क्या आ जाएगा 3, आप देख सकते हैं। ऐसे ही 8 6 की प्लेस में क्या आ जाएगा, 6 और 8 को स्वैप करना तो 6 की प्लेस में 8 और 8 की प्लेस में 6। बेसिकली जो आपके डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट है जो कि 2 3 6 हैं, उनको स्वैप करना है किससे, जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट है, लोअर एलिमेंट कौन कौन से, 4 7 8। तो ये करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी सेम, जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे, आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट सेम है, बट जो उनके अपर एलिमेंट है उनको स्वैप करना है। तो ये कैसे कैसे होगा वो चीज देखते हैं, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, समझाते हैं अभी। तो इन्होंने एन तो दे रखा है, तो करना क्या है मैं बताता हूं आपको, 4 एंड रो कहां से लेकर कहां तक जा रहा, रो तो पूरी जाएगी 0 से लेकर रो इज लेस देन n, पूरा रो जो है n तक जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, रो प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, मेन जो बढ़िया जो ये जो ट्रिक है, मेन ट्रिक जो है वो ये है कि 4 एंड जो मेरी कॉल्स जाएगी वो कहां से जा रही है, कॉल इज इक्वल्स टू 0 से लेकर कॉल इज लेस देन इक्वल्स टू कहां तक जा रही है यार, ये रो तक जाती है, फिर उसके बाद कॉल जो आपका प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, मुझे जस्ट स्वैप करना है, किसको स्वैप करना है यार, ये जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है तो रो कॉल जो है आपका, रो कॉल जो है ये हो जाएगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपका कॉल एंड दिस इज रो, ठीक है। और जब आप इसको पहले मैं कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेता हूँ यार, ये बिल्कुल सही आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि कभी कभार हो जाता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, एरर आ रहा है फिर उसके लिए, तो एक बार पहले चेक कर लेते हैं बिल्कुल सही, एक बार सबमिट करके देखते हैं कि बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे टेस्ट केसेस पास कर देगा बिल्कुल। अब देखते हैं क्या कैसे, इस क्वेश्चन को मत देखो, ये क्वेश्चन से आपको अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको इस क्वेश्चन के रेफरेंस से मैंने आपको बताया। तो हमने क्या करा, हम कह रहे हैं रो जीरो से लेकर रो एन तक जाएगा, विच मीन्स इसमें कितनी रो है, रो जीरो रो वन रो टू, तो पहले रो जीरो देन रो वन देन रो टू। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि हर एक रो में कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, बट कहां तक जाएगा, जितना रो है वहां तक ही जाएगा। जैसे आपने स्टार्ट करा यार, रो इंडेक्स क्या है स्टार्टिंग में, रो इंडेक्स जीरो है, बहुत सही, रो इंडेक्स क्या है जीरो। उसके बाद आपने क्या करा यार, कॉल जीरो है, इनिशियली कॉल क्या है, कॉल आपकी जीरो है, कॉल कितनी है जीरो है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आप कह रहे हो स्वैप आपने करा, मैं कह रहा हूं स्वैप, स्वैप आपने किसको करा, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिया आपने, मैट्रिक्स रो कॉल, रो इंडेक्स क्या है जीरो, ठीक है। फिर आपने करा कॉलम इंडेक्स क्या है जीरो, ठीक है, किसको करा, मैट्रिक्स किससे, कॉल क्या है आपका जीरो और रो क्या है आपका जीरो, समझ रहे हो ना, रो इंडेक्स जीरो था, कॉल इंडेक्स जीरो था, आपने कह रहे हो कि स्वैप करना है मैट्रिक्स रो कॉल, मैट्रिक्स कॉल रो से, तो रो इंडेक्स क्या जीरो, कॉल इंडेक्स क्या जीरो। फिर आपने कह रहा मैट्रिक्स कॉल इंडेक्स क्या है जीरो, यानी कि सेम है, तो मैट्रिक्स जीरो जीरो क्या है आपका, मैट्रिक्स जीरो जीरो क्या है, अगर मैट्रिक्स जीरो जीरो की बात करूं मैं, मैट्रिक्स जीरो जीरो, तो मैट्रिक्स जीरो आर जीरो सी जीरो पे क्या स्टोर है, आर जीरो सी जीरो पे वन स्टोर है, कोमा
मैट्रिक्स 0 0, मैट्रिक्स 0 0 R0 C0 पे क्या स्टोर है, यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 को स्वैप करोगे यानी 1 से, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट में, आपको 1 ही मिल जाएगा क्योंकि मैंने बताया था डायगनल एलिमेंट सेम रहेंगे। अरे मैट्रिक्स सेम एलिमेंट करोगे तो सेम ही एलिमेंट तो मिलेगा यार, ऑफ कोर्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, कोल प्लस प्लस हो रहा है, तो कोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 सेट के 1 हो जाएगी। बट आपने क्या करा, कोल कब तक जाएगा, कोल जाएगा जब तक रो है, रो इंडेक्स है, तो रो क्या है, 0 था यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, कोल अब नहीं चलेगा, फोर लूप से आप बाहर आ जाओगे, अब जाओगे यहाँ पर, विच मीन्स आपने आपका जो फर्स्ट रो था, आप कहां तक जा रहे हो, जस्ट सी जीरो तक जा रहे हो आप यहाँ तक, उसके बाद रो जीरो पे आप सी जीरो तक जा रहे हो, फिर अब आप आ गए रो वन पे, अब आप आ गए रो वन पे, बहुत बढ़िया। जब आप रो वन पे आ गए, तो अब आप आ गए रो वन पे, अब कॉल कहां से स्टार्ट हो रही है, कॉल हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी, कॉल किस कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से, बहुत बढ़िया। अब आपने कहा मैट्रिक्स रो कॉल, रो इंडेक्स क्या है, 1 है, रो इंडेक्स क्या है, 1 है, कॉलम इंडेक्स क्या है, कॉल जीरो पे है, उसके बाद उन्होंने कहा कॉल आता है पहले यहां पर, मैट ये लिखा ना, पहले कॉल आएगा, तो कॉल इंडेक्स क्या है आपकी, जीरो है, ठीक है, और रो इंडेक्स क्या है, 1 है, तो मैट्रिक्स 1 0 यानी कि रो 1 कॉल 0 पे क्या पड़ा है, मैट्रिक्स रो 1 कॉल 0 पे क्या पड़ा है, 4 पड़ा है, तो किसको स्वैप करना है, आपको यहां पर क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, कोमा मैट्रिक्स 0 1 यानी रो 0 कॉलम 1 पे क्या है, रो 0 कॉलम 1 पे क्या है, 2, जैसे मैंने बताया था 2 4 को स्वैप करना है, तो 4 2, विच मीन्स इसका मतलब ये 4 की प्लेस पे 2, 2 की प्लेस पे 4, विच मीन्स ये क्या है, 4 की प्लेस 2 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, और 4 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, समझ रहे हो ना, बहुत सही। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉल प्लस प्लस हो जाएगा, कॉल कब तक चलेगा, जब तक रो है, रो क्या है यहाँ पर, 1, तो 1 तक जाएगा वो, तो अब हो गया 1, तो मैट्रिक्स रो कॉल है, रो कितनी है, 1 है, कॉल कितना है, 1 है, उसके बाद कॉल कितना हो गया यहाँ पर, 1 ही हो गया, और रो क्या है आपकी, रो तो 1 है, वो सॉरी कॉल तो 1 हो गई और रो तो 1 ही रहा, तो मैट्रिक्स 1 1 पे क्या स्टोर है, मैट्रिक्स R1 C1 पे 5 5 स्टोर है, यानी ये भी डायगनल की बात चल रही है, 5 की बात चल रही है, तो 1 मैट्रिक्स 1 1 पे 5 है, और मैट्रिक्स 1 1 पे क्या है, इस पे भी 5 है, तो 5 को 5 से स्वैप करोगे तो 5 ही आ जाएगा, विच मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, डायगनल की बात कर रहे हैं, तो ये तो सेम ही रहेंगे दोनों केसेस में, क्योंकि ट्रांसपोज डायगनल एलिमेंट में चेंज नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आपने करा कॉल प्लस प्लस, तो कॉल की वैल्यू हो जाएगी 2, बट कॉल कब तक चलेगा, 1 तक, क्योंकि रो तक ही जा रहा है, इसलिए आप इनर लूप से बाहर आ जाओगे, फिर फोर लूप में अपर लूप में जाओगे, तो रो प्लस प्लस हो रहा है, तो रो पहले 1 था, अब रो 2, विच मीन्स आप रो 1 पे 4 5 यहां तक गए, ठीक है। उसके बाद आप क्या हुआ, आपने देखा, समझ रहे हो ना, कॉलम कहां तक जा रहा है, जब तक रो इंडेक्स है, जैसे कॉल 0 से स्टार्ट होकर रो 0 तक जा रहा है, फिर आपने रो 1 पे कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है, कॉल 0 से लेकर कॉलम 1 पे, अब रो 2 में क्या हो जाएगा, कॉलम 0 से लेकर कहां तक जाएगा, ये कॉलम 2 तक, समझ रहे हो ना, तो अब आप आ गए R2 में, R2 में आ गए, तो आपने देखा R2, अब कॉलम कहां से स्टार्ट होगा, कॉलम 0 से स्टार्ट होगा, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहे हो आप, स्वैप मैट्रिक्स रो कॉल, तो रो इंडेक्स क्या है, 2 है, रो इंडेक्स क्या है, 2 है, और कॉलम इंडेक्स क्या है, 0 है, तो मैट्रिक्स कॉल, कॉल क्या है आपका, 0 है, और आपका जो रो है वो क्या है, 2, विच मीन्स मैट्रिक्स 2 यानी कि रो 2 कॉलम 0, रो 2 कॉलम 0 पे क्या स्टोर है, 7 है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, 7 7, कोमा मैट्रिक्स रो 0 कॉलम 2, रो 0 कॉलम 2 पे क्या स्टोर है, 3, विच मीन्स 7 और 3 को स्वैप करना है, 7 और 3 को स्वैप करना है, तो 7 की प्लेस में यानी 3 की प्लेस में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, आप देख सकते हैं, और 7 ये जो 7 है इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, इसकी प्लेस पे आ जाएगा 3, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने क्या करा, कॉल प्लस प्लस हो रहा था, कॉल की वैल्यू जाएगी 1, कॉल कहां तक जाएगा, रो इंडेक्स यानी 2 तक जाएगा, तो अभी चलाओ, तो रो कॉल, रो तो 2 ही रहेगी, कॉल हो गया 1, अब कॉल 0 था पहले, कॉल हो गया 1, तो 1 2, तो 2 1 पे क्या रखा हुआ है, मैट्रिक्स रो 2 कॉलम 1 पे क्या रखा हुआ है, 8, बहुत बढ़िया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 8, कोमा 1 2 1 2 पे क्या रखा हुआ है, यानी कि रो 1 कॉलम 2 यानी 6 की बात चल रही है, 6 की बात चल रही है, तो 8 6, विच मीन्स 8 की प्लेस पे 6 6 की प्लेस पे 8, यानी 6 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, आप देख सकते हैं ये रहा 8, और 8 8 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो 8 रखा हुआ है 8 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, बहुत बढ़िया, तो स्वैप कर दिया। उसके बाद कॉल प्लस प्लस, तो कॉल की वैल्यू 2, कब तक जाएगा, रो इंडेक्स जब तक है, तो रो 2 है तो 2 तक जाएगा। उसके बाद आपने देखा कॉल हो गया यहाँ से 2, और कॉल हो जाएगा यहाँ से 2, तो डायगनल है क्योंकि 2 2 पे क्या स्टोर है, 2 2 पे क्या स्टोर रखा हुआ है, 2 2 पे, रो 2 कॉलम 2 पे क्या है, 9 है, और रो 2 कॉलम 2 पे 9 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 9, ये 9 है और ये भी 9 है, तो 9 को 9 से स्वैप करोगे 9 ही मिल जाएगा, विच मीन्स आपको 9 का 9 ही मिला, तो सारे एलिमेंट आपने देख लिए ट्रांसपोज होके आ गए हैं। उसके बाद कॉल प्लस प्लस हुआ, तो कॉल की वैल्यू जाएगी 3 यहाँ पर, बट 2 तक जाएगा, इसलिए आप इनर लूप से बाहर आ जाओगे, देन रो प्लस प्लस होकर रो 3 आ जाएगा, बट रो नंबर ऑफ रोज
थ्री तो थ्री से पहले तक जाएगा, यानी कि सारे आपने रो भी ट्रैवर्स कर लिए, कौन कौन से, रो जीरो, रो वन, देन रो टू, उसके बाद आप दोनों लूप से बाहर आ जाओगे, ये वॉइड है इसलिए आप रिटर्न नहीं कर रहे, और आपका स्वैप जो है वो हो गया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो इसको जब आप सबमिट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या होता है, जस्ट जो डायगोनल से अपर वाले एलिमेंट है और लोअर वाले एलिमेंट है, जस्ट खाली उनको स्वैप करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, जो फर्स्ट वाला फर्स्ट अप, ये जो हमारा आउट लूप है, क्या ये क्या कह रहा है कि सारी रो जीरो से लेकर एन तक वो जाएगा, उसके बाद कोल जीरो से लेकर कहां तक, कब तक जाएगा कोल, जब तक वो रो इंडेक्स है इज इक्वल टू रो इंडेक्स, जब तक जाएगा और सारे स्वैप कर देगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। और एक सिंपल सा क्वेश्चन है यार हमारे पास कि मैक्सिमम रो सम, कि एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें तीन रो है, तीन कॉलम है, तो इस रो का सम कितना आएगा, अगर मैं इस रो की बात करूं ये वाले रो की, तो इसका सम क्या आएगा, रो जीरो का इसमें क्या है, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो इसका मैं क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा आपका, सिक्स आ जाएगा। ये एक सेकंड मुझे, ये आ जाएगा आपका सिक्स, ये कितना आ जाएगा, थ्री प्लस टू, अरे ये वाले रो जीरो में अगर सम करोगे तो वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स आ जाएगा, रो वन का सम करोगे तो वन प्लस वन प्लस वन, ये कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद रो टू में सम करोगे तो टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स प्लस फाइव इलेवन। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रो सम बतानी है कि किस रो का सबसे ज्यादा मैक्स, किस रो का सबसे ज्यादा सम है, तो रो जीरो, रो वन, रो टू में सबसे ज्यादा सम किसका आ रहा है, इलेवन का, तो आपको प्रिंट करनी है रो टू की, हाँ भाई रो टू में सबसे ज्यादा मैक्सिमम सम दे रहा है वो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो यार मैं ले लेता हूँ bits stdcc.h है ये, ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये पहले लिखना चाहिए था मुझे लेकिन कोई नहीं, चलिए इंट मेन है। तो सबसे पहले मैंने लिया यार ये इंट एन है, इंट एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप ये कंसिडर कर लीजिए। एक मैंने ले लिया एक एरे, मैट्रिक्स की बात चल रही है पर मैट्रिक्स लिया मैंने जिसका साइज नंबर ऑफ रोज एन एन है, नंबर ऑफ कॉलम भी एन है, नंबर ऑफ ये भी एन है। तो मैं यूजर से इनपुट करवा रहा हूँ कि फॉर इंट रो जीरो से लेकर आपका कहाँ तक जा रहा है, आपका रो इज लेस देन आपका एन तक जा रहा है, देन रो प्लस प्लस हो रहा है, आप ऐसे कर लीजिए। उसके बाद ये यूजर इनपुट दे रहा है जो भी उसको वैल्यू देनी है, फॉर इंट कॉल जीरो से लेकर आपका कहाँ तक जा रहा है, कॉल इज लेस देन एन तक जा रहा है, एंड देन कॉल प्लस प्लस है, ठीक है, ये मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ये ऐसे है कॉल प्लस प्लस। उसके बाद आपने क्या करा, सी इन आपका क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या हो जाएगा आपका रो, एंड देन ये हो जाएगा आपका कॉलम। ये तो आपको मैंने 2D जब इंट्रोडक्शन था 2D एरे का बता दिया था, ये क्या है यूजर इनपुट दे रहा है, ये क्या कह रहा हूँ मैं, यूजर इनपुट दे रहा है, ये रहा यूजर इनपुट दे रहा है, ठीक है ना, यूजर इनपुट है, तो इसमें कुछ सोचने समझने की बात नहीं, यूजर ने वैल्यू डाली और आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए ये। उसके बाद प्रोसेस क्या, अब यहाँ से है, यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कर क्या रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या जाओगे, रो जीरो, फोर इंट रो जीरो से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है जी। उसके बाद रो कब तक जा रही है, रो इज लेस देन एन तक जाओगे, देन रो प्लस प्लस हो रहा है, रो प्लस प्लस होगा, ठीक है, रो प्लस प्लस हो रहा है ये, तो बहुत बढ़िया। उसके बाद आप हर एक रो में सारे कॉलम ट्रेवर्स करोगे तो कॉलम जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कॉलम कहां तक जाएगा, लेस देन एन तक जाएगा, देन कॉल प्लस प्लस हो रहा है, कॉल प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक आपने लिया सम, आप ले रहे हो ना सम, एक सम लेना पड़ेगा हमें सम, तो सम क्या कह रहा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस मैट्रिक्स जो भी है आपका, इसमें क्या जाएगा, रो और कॉलम इंडेक्स, जिससे मुझे पता चलता रहे सम क्या, इसलिए मैं ले रहा हूं यहां पर, एक मैंने ले लिया इंट सम जो कि मैं जीरो से इनिशियलाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सम ले लिया मैंने, अब मैं देखता हूँ कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। तो मैं अभी क्या हूं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अभी रो जीरो पे हूँ, मैं अभी रो जीरो पे हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कॉलम जीरो पे हूँ, मैं कॉलम जीरो पे हूँ, ठीक है। तो मैं अभी इस वाले रो की बात कर रहा हूँ कि रो जीरो कॉलम जीरो, तो मैं ये वाले रो को पहले ये वाले रो को ट्रेवर्स करूंगा और चेक करूंगा इसका रो का सम कितना आया, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ रो जीरो कॉलम जीरो, तो सम विल बी सम इज इक्वल टू, मैंने कहा सम कितना आता है, सम इज इक्वल टू सम किससे इनिशियलाइज करा आपने, जीरो से इनिशियलाइज करा, तो जीरो प्लस मैट्रिक्स रो, मैट्रिक्स मैट्रिक्स रो, रो इंडेक्स क्या है, जीरो है, कॉलम इंडेक्स क्या है आपका, जीरो है, तो मैट्रिक्स जीरो जीरो पे क्या स्टोर है, मैट्रिक्स रो जीरो कॉलम जीरो पे क्या स्टोर है, वन, तो जीरो प्लस वन कितना आ जाएगा, जीरो प्लस वन विल बी, इसमें क्या है, जीरो प्लस वन क्या आ जाएगा यहाँ पर, जीरो प्लस वन विल बी वन, बहुत सही। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वन, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने क्या करा, कॉल प्लस प्लस, तो कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो वन, तो सम इज इक्वल टू सम कितना हो गया यहाँ पर आपका, वन हो गया, प्लस मैट्रिक्स जीरो कॉलम वन, तो जीरो वन पे क्या रखा हुआ है, मैट्रिक्स जीरो वन पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है टू, आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वन, मैंने कहा भैया ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन प्लस के टू विल बी थ्री, तो सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा थ्री आपका, सम कितना हो जाएगा थ्री,
उसके बाद कोल प्लस प्लस हो गई तो कोल की वैल्यू रहेगी 2 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सम इज इक्वल टू सम ऑफ कितना है 3 आपका प्लस मैट्रिक्स 0 2, यानी कि 0 रो 0 कॉलम 2 पे क्या रखा हुआ, यानी कि 1 प्लस 2 डेट इज 3 है, ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा ये आपका था 2 प्लस 3 इज वॉट, सॉरी ये तो आपका 3 आ गया था ना, सम सम की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस, अब कितना यहाँ पर 3 है, तो 3 विल बी 3 डेट इज 6, 3 प्लस 3 6 हो गया ये, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6, बहुत सही, सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गई 6। उसके बाद आपने क्या करा, कॉल प्लस प्लस यानी कि कॉल आप कॉल कब तक है 2 है, तो कॉल पूरी आपने ट्रेवर्स कर ली, इसलिए आप इनर लूप से बाहर आओगे, विच मीन्स आपने देखा कि रो 0 आपने पूरा ट्रेवर्स कर लिया, अब आप आओगे रो 1 पे, अब आप रो 1 पे चेक करोगे, ठीक है, रो 1 पे चेक कर, अब रो कितना हो गया, रो 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा यहाँ हर एक रो के लिए सम को 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, क्योंकि आप सम में उसकी 6, अब आप क्योंकि सम की वैल्यू अभी क्या है 6 है, सम की वैल्यू क्या है 6 है, तो इसलिए आपको सम हर एक रो में 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और एक यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, क्या कि यार इफ आपका जो मैक्सी है, इफ मैक्सी इज ग्रेटर देन सम, अगर मैक्सी इज ग्रेटर देन सम है किसी केस में, तो मैक्स मैं लिख देता हूँ नीचे यहाँ पर, अगर मैक्सी इज ग्रेटर देन सम तो मैक्सी की वैल्यू हो जाएगी सम, मैक्सी की वैल्यू हो जाएगी सम, एंड आंसर है उसमें आप क्या कर दोगे, रो इंडेक्स स्टोर कर दोगे, ठीक है, और रिजल्ट लास्ट में क्या आ जाएगा आपको, आपका क्या आ जाएगा सी आउट आंसर, आप स्टोर आंसर जो है आपका वो आप यहाँ पर एंडल यहाँ पर ऐसे कर दोगे। इसलिए आपने क्या करा, इसलिए आपने क्या करा, ये मैं इंट मैक्सी ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था वो -1 से मैंने -1 से इनिशियलाइज कराया, तो सम रो 1 का सम क्या था 6 था, मैक्सी क्या है, मैक्सी की वैल्यू क्या है, मैक्सी है -1, तो -1 इज ग्रेट, सॉरी ये कंडीशन ये कि अगर सम जो है सम, अगर सम मेरा मैक्सी से बड़ा आ रहा है, तो सम कितना है मेरा, सम है आपका 6 है, सम कितना है 6 है, 6 इज ग्रेटर देन -1, यस, तो मैक्सी यानी कि मैक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब मैक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सी की वैल्यू हो जाएगी सम, सम कितना है 6, तो मैक्सी की वैल्यू अब कितनी हो गई, मैक्सी की वैल्यू हो गई अब 6, ठीक है। और आंसर, आंसर क्या है, आंसर में क्या है, आंसर रो, रो किस रो की बात चल रही है, 0 वाले रो की, तो मैं एक आंसर भी ले लेता हूं जो कि मैंने int आंसर जो कि मैंने 0 से इनिशियलाइज करा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा ये इफ कब चले, कब चलेगा, जब सम इज ग्रेटर देन मैक्सी। उसके बाद आपने देखा अब आप आए रो प्लस प्लस पे, तो रो हो गई 1, सम 0 से इनिशियलाइज होगा, कॉल 0, यानी कि रो 1 पे हो, कॉलम 0 से स्टार्ट होगा, सम 0 है अभी, ठीक है, तो कॉलम कहां है 0, तो सम विल बी सम मैट्रिक्स रो कॉल, तो सम कितना है अभी 0 है, प्लस मैट्रिक्स रो क्या है, रो इंडेक्स 1 कॉलम इंडेक्स 0, तो 1 0 पे क्या है, रो 1 कॉलम 0 पे क्या है 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 0 प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, डेट विल बी 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉलम 1 पे जाओगे तो 1 प्लस 1 2, फिर कॉलम 3 पे 1 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट लास्ट में, क्या आ जाएगा 3। उसके बाद आप यहाँ पर, तो सम कितना है, रो 2 का सम क्या है 3, तो अब मैक्सी की वैल्यू क्या है, मैक्सी की वैल्यू तो 6 है, तो सम कितना है रो 2 का 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 6, नो, तो इफ जो है चलेगा नहीं। उसके बाद अब आप आ गए नेक्स्ट रो पे, तो रो इंडेक्स 2, विच मीन्स रो 1 आपने पूरी ट्रेवर्स, ये वाली जो रो 1 है पूरी आपने ट्रेवर्स कर ली है, ये जो आपकी रो 1 है आपने पूरी, अब आप आ गए रो 2 पे, तो रो टू पे आ गए, कॉलम 0 से स्टार्ट होगा, सम 0 हो गया, रो 2 के लिए सम 0 रहेगा, तो सम विल बी सम मैट्रिक्स रो, तो सम 0, सम क्या है रो टू कॉलम 0, ठीक है। तो आपने देखा रो 2 कॉलम 0 पे क्या स्टोर है 2 है, तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 विल बी 2। उसके बाद आप जाओगे कॉलम 1 पे, तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, तो कॉलम 3 का लास्ट में कितना आ जाएगा, रो 2 का क्या आएगा 11 आ जाएगा, तो सम क्या हो गया, सम आपका 11 है, रो 2 का सम 11 है, और मैक्सी क्या है आपका 6 है, तो 11 इज ग्रेटर देन 6, यस, तो मैक्सी की वैल्यू अपग्रेड होगी, क्या जाएगी सम, सम क्या है अभी आपका 11, और आंसर क्या है, आंसर अपग्रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा रो 2। उसके बाद आप पूरा निकल जाओगे, रो प्लस प्लस हो जाएगा रो 3, बट नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो 3 से पहले तक जाएगा, इसलिए आप दोनों लूप से बाहर निकल जाएंगे और अपना प्रिंट कर देंगे आंसर। आंसर में क्या स्टोर है, रो इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम सम है, तो जब आप इसको वो करोगे तो